नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना आज यहाँ से शुरू हो गए उसमें शामिल होने के लिए आया ना। हमारे समाज की मांग थी कि मैं यहाँ और मैंने उनसे बातें की, उनकी परेशानियाँ जो है जानी और प्लस हम लोग ज्यादा काम करें क्योंकि यहाँ के लोग आज नहीं आए तो हम यहाँ पे ज्यादा 2022 के लिए समाज तैयार हो चुका है। जब जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आएगा आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन सत्ता की चाबी जो है ना वो आजाद समाज पार्टी के पास रहेगी। गरीब वर्ग के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार उनको भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। आजाद भाई वो तैयार हैं और इसके परिणाम आपको 2022 का रिजल्ट आएगा आपको देखने को मिलेगा। आजाद भाई गठबंधन का कोई सवाल लगता है या नहीं? गठबंधन दूर की बात है, अक्टूबर में नवंबर में कुछ फाइनल होगा, उससे पहले हमने अपनी तैयारी कर ली है। हम अपनी क्षमता से चुनाव में जाएंगे। भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद करनी पड़ी और क्या किसी की किससे मदद लेनी पड़ी कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से भाजपा की जो विदाई जो है ना वो तय करवानी, क्योंकि इन्होंने दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, मजदूरों का, अगड़ों का, सबका जीवन जो है ना दुर्बल कर दिया। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोज महंगाई बढ़ रही है। ये जो आज के समय में जो पेट्रोल डीजल के दाम हो या बेरोजगारी हो वो चरम पे, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई सा मामला हो, घोटाले पे घोटाले सरकार कर रही है। इस सरकार को कुंभ में भी घोटाला कर गई सरकार, तो इस सरकार को सबक जनता सिखाना चाहती है। किसान मजदूर तैयार हैं सत्ता पलटने के लिए। आप इस संबंध की पंचायत है क्या, आप वहां पर समर्थन दोगे? देखिए मेरा समर्थन किसानों को हमेशा था और मेरा समर्थन दिखावा नहीं होता। हम एक बड़े समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और आजाद समाज पार्टी विमान में ताकत रखती है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जो अखिलेश यादव जी हैं वो सब कह रहे हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, क्या आप उनसे गठबंधन? ये काम जो है ना हमने अपने समाज को दे दिया, अपने यूनिट को, वो तय करेंगे। हम तो वर्कर हैं, हम तो गाँव गाँव जाके लोगों को तैयार कर रहे हैं कि लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दे। पिछड़ों की जिले जातिगत जनगणना पे सबसे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। नीट पे हमने किया, अब जातिगत जनगणना पे करेंगे और अब हम प्रयास करेंगे कि पिछड़े, दलित और अगड़े सब लोग इकट्ठे होकर सरकार को पलट दे। आजाद भाई सोशल मीडिया पे एक ह्यूमर चल रहा है कि आप दलित वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हैं, समय बताएगा जी। दलित आप ये सब दलित समाज है, आप किसके साथ हो जरा एक बार कैमरा भाई आपके साथ भाई। देखो बढ़ता तब है जब आदमी दोनों तरफ वोट करेगा। इस बार दलित समाज जो है ना वो समझ रहा है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। बाजी की तरफ से अगर प्रपोज आता है, प्रपोजल आता है तो उस बारे में क्या सोचेंगे? जो समाज कहेगा वो सोचेंगे। ओवैसी जी भी आ रहे हैं तो देखिए सबके नेता पूंजीपति हैं, सब पूंजीपतियों के हिसाब से बीजेपी चलती है, हम समाज के हिसाब चलते हैं। हमने कहा वोट मिलेंगे उनसे और नोट मिलेंगे और समाज जिसका हम ही भरी है, जो समाज कहेगा वो करेंगे। किसकी भाजपा हिंदू मुस्लिम राजनीति? ये बहुजन भाईचारा उसकी काट है कि ये वंचित वर्ग के लोग एकजुट हो जाएं, भाईचारा बनाएं और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ें। सांप्रदायिकता का अंत हो जाएगा जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी का टिकट दिया है, अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी जो उतारेंगे तो वे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बारे में आपके क्या कहना है? ये आप ओवैसी आपकी कोई डिमांड तो नहीं है कि आपकी पार्टी से कोई? मेरी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं, जो पार्टी की डिमांड है वो आपको बता देता है।